आपका घर हुआ है हटलिका के सर। हाँ। कमल दिए हैं अशीष यादव। हाँ। रामचंद्र अशीष यादव क्या है, अशीष यादव नेता है क्या? नेता है, मतलब चुनाव में लड़ना चाहते हैं क्या? ना 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 ना, ना। देखिए माता राम सा मर रहा तो कमल दे दिया है अशीष यादव। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज भोजपुरी। दरअसल आज हम मौजूद हैं मगही ट्रेंडिंग स्टार आशीष यादव जी के घर पे, और एक बहुत ही मतलब बेहद बात है कि मगही ट्रेंडिंग स्टार द्वारा तमाम पीड़ित मतलब जो आवश्यकता जिनको है कंबल की वो अपने स्तर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा आशीष यादव यानी हमारे भैया जी के पिताजी हैं और उनके ससुर जी हैं, उन तमाम टीम द्वारा देखिए वितरण करने का काम किया जा रहा है। आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो कि लगातार वितरण करने का काम किया जा रहा है, और हमारे अंदाज से बहुत काफ़ी ज़्यादा कंबल वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष यादव जी के पिताजी। पहले तो आपका स्वागत रहेगा ट्रेंड न्यूज भोजपुरी में। बहुत आपका स्वागत है, और हम लोग इस मौसम को देखते हुए गरीब आदमी को जो बूढ़ वृद्धा है जो कि ठंडी का महसूस हो रहा है उसी के उपलक्ष्य पर हमारे आशीष कंबल को वितरण कर रहे हैं। देखिए इधर दिखाइएगा, एक मतलब बूढ़ी मतलब बुजुर्ग महिला है जिनको कंबल वितरण करने का काम कर रहा है। एक सुकून जो होता है ना, असली सुकून अगर बोले तो यही है। एक गरीब परिवार से उठा व्यक्ति जो कि अपना गरीबी देखे हैं इसीलिए कहीं ना कहीं अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा आप? हम बहुत खुश हैं जी। हाँ, और हम आप लोगों से यही दुआ मांगते हैं, जो भी कंबल वितरण ले जा रहे हैं उनको हम इस चाहते हैं कि आप लोग आशीष को पूरा भरपूर आशीर्वाद दीजिए ताकि और भी कुछ काम करें। देखिए एक जेन्युइन सवाल ये बनती है जब कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो एक जेन्युइन सवाल ये बनती है, क्या किसी मतलब चुनाव में लड़ना चाहते हैं क्या? ना 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 ना, ना, ना। देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में हम नहीं जाना चाहते हैं। उन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई मतलब रिलेशन नहीं है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है राजनीति से, कोई रिलेशन नहीं है, और निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ बात, निस्वार्थ कंबल वितरण करने का काम किया जा रहा है। और एक बात बता दें कि तमाम जगहों पे जब जब आवश्यकता होती है बहुत जगहों पे मतलब अपने स्तर से मदद कर, आर्थिक मदद भी कहीं ना कहीं देखे थे बहुत जगह किए थे। हाँ, किया था वो आर्थिक, बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए जो कि हमेशा मदद करते रहते हैं। जैसे कि ये सब काम तो हालांकि नेताओं लोग का है। ना ना, नेता लोग करे या तो नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा इच्छा हुआ हम देखे, इसलिए हम ठंडा के प्रकोप से हम कंबल दे रहे हैं। और एक और सवाल रहेगा आपसे कि कितने कंबल वितरण किया जाएगा और किस किस जगहों पे अभी आप कर रहे हैं? नहीं, वितरण तो खरीद सिर्फ हमारा पंचायत में हो रहा है अभी, अभी तत्काल पंचायतें में जा रहा है, जो कि निठार गरीब आदमी है, जो कि कुछ अवस्था उसको नहीं है, ठंड से कांप रहा है, उसी लोग को दिया जा रहा है जी। जिसे जिनको आवश्यकता है, जिनको लगता है कि आवश्यकता है उनको अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बेहतर सा देखिएगा, आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते देखिएगा बेहतर सा कंबल, एक जो होता है ऊन वाला, ठंडी में एक अच्छा मतलब कंबल अपने स्तर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये नहीं कि मतलब एक होता है ना भाई कि उस तरीके काम बिल्कुल भी नहीं, और कोई शो ऑफ का काम नहीं कर रहे हैं। और इनका हालांकि ये चीज़ तो साफ तौर पर कहना था कि हमको राजनीति से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। तो फिर और बातचीत करेंगे, फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सब वृद्ध महिला के लिए क्या कुछ बोलिएगा आशीष यादव? आपको कंबल दिया, कहाँ घर हुआ सर? के दिया कंबल? कंबल दिया आशीष यादव दिया, के दिया हम पता नहीं, बूढ़ी बुढ़ा कंबल दिया। के दिया, किसके घर पे आए जो कि कंबल? आशीष यादव के है क्या? आशीष यादव, आशीष यादव गायकर है, गायकर के। किरण लाल कंबल दिल के मतलब अच्छा अच्छे दिलखिन, बुढ़ा बुढ़ी स्वागत करखिन। आर के कहाँ घर है मामा? कागेश्वर, निचली कागेश्वर। निचली कागेश्वर इधर दिखाइएगा, निचली कागेश्वर घर। कौन दिया कंबल? आशीष यादव। क्या है आशीष यादव, नेता है क्या? नेता है, गायक है। देखिए तमाम हमारे साथ मामा लोग दादी लोग जुड़े हुए हैं, आशीष क्या कुछ बोलिएगा आप लोग, क्या आशीर्वाद क्या दीजिएगा? आशीर्वाद तो खुद दे दलियन, ठंडी में कंबल मिल गए के लिए तो आशीर्वाद है। देखिए ये सब चीज जो है पैसे से बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा सकता, ये एक मतलब उनका उनके प्रति ये प्यार है जो कि आप दर्शाए हैं अपने सभी लोगों को कंबल वितरण करके। कहाँ घर हुआ मामा आपका? घर हुआ है हटलिका के सर। हाँ।
कमल दिया है अशीष यादव, रामचंद्र के यादव को उसका दामाद है। देखिए उनके ससुर जी का, ससुर जी का नाम रामचंद्र यादव, उनसे भी इनका मतलब कहीं ना कहीं ये है, उनका भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी हो गया आशीष यादव के क्या। और उसका ठंडी में माता राम से मर रहा तो कमल दे दिया है आशीष यादव। देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होती है, जिनको आवश्यकता होती है मतलब उनको कंबल वितरण करने का काम कर रहे हैं। और बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं आप लोग देखिए दिखाएंगे, बड़े लेवल पर कंबल वितरण करने का काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंबल है आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में, और वितरण करने का काम कर रहे हैं तमाम बुजुर्गों को, जिनको जिनको लगता है कि आवश्यकता है उनको वितरण करने का काम कर रहे हैं। तो हालांकि आप लोग कॉमेंट में बताइएगा आशीष यादव द्वारा ये कदम कैसा लगा, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।